छोटे से छोटा सा पार्ट था जो हाफ बर्थडे सेलिब्रेशन था वो रह गया। अभी मैं खिला रही हूँ पम्पकिन प्यूरी सेकेंड मील में। फर्स्ट मील में मैंने खिलाया था ग्रेन्स खिचड़ी थी जिसमें मैंने राइस था, दाल था और थोड़ा सा दलिया था, तो ये प्रिपेयर करके खिलाया था। उसमें काफ़ी अच्छा ग्रेनी था वो, और चिकू ने इन्जॉय किया उसकी खिचड़ी को। और अभी मैं फ्लैट माइल्ड प्यूरी खिला रही हूँ पम्पकिन की। हमेशा ही आप ट्राई करो कि बेबी को दो डिफरेंट टेक्सचर ज़रूर इंट्रोड्यूस करो, उससे क्या बेबी को इंटरेस्ट आता है खाने में, बेबी अच्छे से खा लेता, मज़ा आता है। और एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करते रहोगे ना, बेबी का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, काफ़ी सारे बेबीज़ में हो जाता है। अब इस बार मेरे बेबी में तो हो गया, मुझे लगा कि मैं चीज़ों को रिपीट करूँगी तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि बेबी को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाला आइडिया तो इस बार चीकू के ऊपर तो वर्क नहीं किया। सो This is how I am doing. Water भी दे रही हूँ अच्छे से गर्म करके, पानी को थोड़ा लूकवॉर्म कर लिया गुनगुना सा, और फिर उसके बाद हम दे रहे हैं तो ग्लास से स्पून से भी दिया, और फिर ये सिपर आ गया तो मैंने ये दे दिया। इससे बहुत ईजिली चीकू पी लेती है खुद से भी होल्ड करके, और जितनी क्वांटिटी जानी चाहिए पानी की बिना गिरे उतनी जाती है, मज़ा भी आता है बेबी को पीने में। तो अभी बेबी 6 मंथ प्लस में गई है तो पूरे दिन में इसे 30 ml तक पानी हम दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं शुरुआत टाइम पे। 4 महीने के बाद आप 2 से 3 स्पून से शुरुआत करिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और इस एज में अगर बेबी आ जाता है तो 30 ml तक आप पानी बेबी को ऑफर कर सकते हैं। वेरी नाइस। वीक है बेबी के फर्स्ट फूड का, डिफरेंट चीज़ें हम बेबी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को देखने के लिए। तो कई चीज़ें बेबी को पसंद आ रही हैं, कई चीज़ें उसके लिए थोड़ी वियर्ड हैं, मे बी का टेस्ट अलग है इसलिए। जब से हम रिटर्न हुए हैं तब से बेबी का फूड स्टार्ट किया है हमने, और आजकल मेरा पूरा दिन बस बेबी के इर्द गिर्द ही चला जाता है, उसे क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, क्या प्रिपरेशन है, उन सब में ही। पता है बाकी सारे काम के लिए और चीज़ों के लिए तो ऐसा लगता है मानो दिन की ये जो घड़ी है इसकी सुइयां कहीं अटक गई हैं। आखिरी दिन और हम गए थे डेंटिस्ट के पास, ऐसा भी दिन हो सका है क्या, बेबी को हो गई कैविटी यानी अनिका को हो गई थी, तो बस उसी का ट्रीटमेंट लिया हमने लास्ट डे।
डालिया का जो रोस्टेड पाउडर मैंने बना के रखा था, जो सीरियल बना के रखा था, आपको व्लॉग में दिखाया ही हुआ है कैसे बनाया था, बस उसी को पानी के साथ में बॉयल करके प्रिपेयर कर लेती हूँ। थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा घी है जो मैं और ऐड ऑन कर देती हूँ और बन जाती है बेबी की खिचड़ी। अनिका इसको हैंग करके दिखाना मम्मा को। घंटे में नया साल शुरू होने वाला है। क्या आगे क्या पटाखा पटाखा। हेले वाले वाले हैप्पी न्यू ईयर। यस मम्मी, जल्दी आप, मेल्ट हो रही है कैंडल। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, खुशी का पहला न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर। क्या फूकना है? बस अब फूकना ही है। खुशु अजब, चलो 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 फूको फूको दोनों लोग मिलके। ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे सी स्माइल करती है। चलो 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 चलो। ओए होए होए होए, ये तो कल होगा, ऐसे वाला तो कल होगा, कल वाले में। वो वेरी नाइस चिकू, नन्नू हैप्पी न्यू ईयर। और चिकू का पहला न्यू ईयर। चिकू इज वेरी ब्यूटी। चिकू खुशू वो देखो आप क्या कर ले हो, कहा आप लोगों ने उठा दिया न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ बल्ले बल्ले, 2023 में आपका होगा हैप्पी बर्थडे। आप क्रॉल करना सीखोगे और बहुत अच्छा यम्मी यम्मी चीज़ खाओगे, आप केक भी खाओगे, पता है आप 23 में तो। हाँ एक दूसरे को खिला दे क्या? पक्का? आर यू श्योर? मैं चॉकलेट खाऊंगी। नहीं आज नहीं, ऐसा चिपक जाएगा। आज नहीं, केक खा लिए ना, हो गया चॉकलेट। लीजिए हमको कोई नहीं खिला रहा। हाँ लीजिए, मैं भी केक खाऊं लीजिए। 2023 में आपको बधाई हो, आपको बहुत सारी तरक्की मिले और आपके साथ हमें भी तरक्की। मम्मा मैं फुल्लू खाऊंगी, मैं फुल्लू खाऊंगी, फुल्लू। आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएं और यहाँ से जाएं ना, तो हम सब यहाँ से जाएं। हाँ मैं बोर हो गई हूँ यार, आ जाएंगे। अब मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, चेंज। अगर अगर देखो आज 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 मेरे बच्चे आज देखो आ जाएंगे, आ जाएंगे, हम चलेंगे, देखो हम स्टेप लेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप लेंगे। हम खड़े हो गए हैं। हेलो जी, नमस्ते। हाँ ए ए मैं खा लूँ। देखो अपने पैर उठा रही है, अपने छे पैर उठा ले, अपने जने उठाओ ज्यादा। अभी अभी तांदा है साहब, दिन में करेंगे। हाय एवरीवन, आई एम अनविका जायसवाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनविका पहले तुम बोलती थी, अभी अभी बोले कि दोनों लोग बोलना। छोटा व्लॉगर, छोटा व्लॉगर, ये बाई, ये बाई।
बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले अच्छा दादाजी बल्ले बल्ले जो बचपन से दादाजी हैं बचपन से दादाजी हो तू जो 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 सर पे एक गोला लेके बैठे हो टिंग 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 पम 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 अच्छा अपने आप को पास से देख लो अच्छा वो जो कोच देख लो सबको हेलो बोल दो हेलो जी हेलो हेलो चबी का हैप्पी न्यू ईयर जी आई लव यू ओ मेरा बच्चा खूब प्यारे प्यारे दांत आए हैं आपके 22 में तो आए नहीं 23 में आएंगे दांत सबको काटना फिर घूम घूम के देख लो कि मैं दांत अभी आए नहीं है देख लो अभी दांत नहीं आया है भाई आप टाइम लोगे खाने में आपका न्यू टूथब्रश आएगा 23 में आपका टूथब्रश आएगा आपका वॉकर आएगा एंड और क्या क्या आएगा आपकी हाई चेयर हम ओपन करेंगे और क्या होगा अब मम्मा का बर्थडे आएगा सबसे पहले तो मम्मा का बर्थडे चीकू की जोत मम्मा का बर्थडे ये प्रिया मासी का भी बर्थडे है विश करते हैं गाइज आज है पहला दिन इस नए साल का और नए साल में हमने सोचा कि चलो बीबी को ऑरेंज इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर सो ये जो फूड निबलर देख रहे हो आप ये मैंने फर्स्ट क्राई से अमेजोन से ही परचेज किया था इसमें दो डिफरेंट मैश सैक्स मिल जाते हैं निबलर में आप कोई भी जूसी फ्रूट बेबी को डाल करके दे सकते हो ऑफर कर सकते हैं बेबी बड़े मजे से खाते हैं और खा भी लेते हैं अभी यहाँ पर मैं ऑरेंज ऑफर कर रही हूँ फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ मुझे लगा ऑरेंज बेबी को अच्छा लगेगा तो ऑरेंज की फाक निकाल करके उसके सारे थ्रेड्स रिमूव कर लेने हैं और बीच में से यहाँ से खोल करके ऑरेंज का जितना पल्प है वो हमें निकाल लेना है सीड्स नहीं आने चाहिए एंड ऑल्सो जो कि रेशे हैं वो भी नहीं आने चाहिए तो दो तीन पीस से आप पल्प निकाल लीजिए और निबलर के अंदर हम इसे फिल करेंगे यहाँ आपको मिल जाती है ओपनिंग यहीं से सैक में आपको इन जो पल्प है इनको डालना है और यहाँ से लॉक कर देना है इसे और फिर बेबी को ऑफर कर देना है इस तरीके से फिल करना है पूरा जैसे फिल हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा तो चला जाता है तो चलो देखते हैं कि ऑरेंज टेस्ट करने पे बेबी का क्या रिएक्शन आता है वो छोड़ो ये लो यस वेरी नाइस हमें ये हाई चेयर एज अ गिफ्ट रिसीव हुई थी बेबी का 6 मंथ होने पर और अभी 6 मंथ की हो गई है बेबी तो हमने सोचा चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और रेडी करते हैं देन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास ऑलरेडी एक हाई चेयर थी जिसे हमने टेबल एंड चेयर में कन्वर्ट कर दिया था जो मैंने आपको बताया था और वो एक ऑप्शन था तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है जो अगर आपने फर्स्ट बेबी के लिए परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स के तो सेकेंड में भी काम आ जाते हैं हाय एवरीवन सो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें फील हो रही हैं एंड मैंने उसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था वैसे तो डिलीवरी के बाद ये सारे चेंजेस नॉर्मल होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और ऐसे में अगर आप अनसेफ रिलेशन में होते हैं तो चांसेस होते हैं कि आप अगेन प्रेगनेंट हो जाओगे बहुत ही क्विकली और ये जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी होता है आपको पता भी नहीं चलेगा डजेंट मैटर आपको पीरियड्स आए हैं या नहीं आए हैं आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो चलता रहता है राइट आफ्टर योर डिलीवरी ऑलराइट सो मेरे साथ क्या था कि अभी
हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि अभी 6 मंथ होने वाले थे तो बहुत सारे जो क्विक चेंजेस थे मेरे बॉडी में वो आ रहे होंगे, इसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो मैंने टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव था। एंड ऑल्सो ऑन 27th जब मैं रिटर्न हो रही थी, उसके एक दिन पहले मतलब सेम डे अर्ली मॉर्निंग में मुझे मेरे पीरियड्स आ गए थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि पीरियड्स तो लास्ट टाइम भी आ गए थे लेकिन वापस से ये चेंजेस आ रहे थे। 5 डे मेरे जो पीरियड्स थे वो डिले भी हो गए, तो मैं बहुत तो शॉक में थी कि क्या हो गया। मन में डाउट आ ही जाता है ना। सो अभी सब नॉर्मल है और थैंक गॉड नॉर्मल ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे गाइडलाइंस दी गई थी कि टिल 6 मंथ मुझे कुछ भी नहीं फॉलो करना है, सिर्फ जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं वो ही हमें फॉलो करने होते हैं, लाइक कॉन्डम्स वगैरह। और अब इतना ज़्यादा भी इंटेंस कोई चीज़ नहीं है, तो हमने भी कुछ खास नहीं रखा, शायद इसलिए मेरे माइंड में डाउट आया था। तो बाकी और भी जो भी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं उसके बारे में अब डॉक्टर मुझे गाइड करेंगी, इसलिए मैंने कोई सेल्फ डिसीजन नहीं लिया। और आप लोग पूछ रहे थे फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन का, सो मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखा है इससे रिलेटेड, मेरे मम्मी का ही देखा है और उनको ऑब्जर्व भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। वैसे मैं कोई और बेबी प्लान करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि सही भी नहीं है और यार करना भी नहीं है। मैं तो सेकंड के भी मूड में नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली आपको बहुत स्टेबल होना होता है बेबी को कैरी करने के दिन, उसके बाद में बड़ा करना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो अभी 2 में ही सब कुछ हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। और अभी बहुत सारी मेजर प्लान्स हैं जो हमारे बाकी हैं फ्यूचर के, सो वो सब करेंगे। सो और भी क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो मैं देखूंगी, डॉक्टर से बात करूंगी, एक्सेप्ट दिस फैमिली प्लानिंग वाला जो ऑपरेशन एंड ऑल है ये वो। और वैसे ये जो ऑपरेशन है सिर्फ फीमेल का नहीं होता, मेल का भी होता है। डिलीवरी का ये जो पूरा जर्नी होता है प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, दो दो बार झेलने के बाद मेरी तो ताकत नहीं है भाई ऐसा कोई और स्टेप लेने की और करने की, इससे बेटर अलग रहूँ। सीरियसली यार आई आई बिलीव इन दिस, लेकिन यार लाइफ का पार्ट है, देखते हैं कि क्या डिसाइड करती हूँ मैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या करूँगी ये भी मैं अपडेट करूँगी कि मैंने क्या प्लान किया, क्या डिसीज़न लिया है फर्दर। और अभी चीकू को भी लेके जाना है हॉस्पिटल, मैं जा नहीं पाई, आने के बाद में बहुत रश हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी, अनिका को डेंटिस्ट के पास लेके जाना था, उसको कैविटी हो गई थी, बहुत कुछ हो गया आने के बाद से। और फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी था, आने में ही चला गया। अब जाएंगे हम डेंटिस्ट कह रही हूँ सॉरी, अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास में, उसके पीडियाट्रिशियन के पास में, और मैं मेरी गायनों से मिलूंगी, फिर देखती हूँ कि क्या होता है। और स्किन स्पेशलिस्ट से भी मिलना है, मैंने आपको ये तिल वगैरह के बारे में बताया था, नहीं सब आ रहे हैं, आ ही रहे हैं यार क्या करूँ, और इतना विजिबल है ना चेहरे पे, दिख ही रहे दिख ही रहे दिख ही रहे, तो खैर जाते हैं देखते हैं कि क्या होता है। एक वैक्सीनेशन भी है 6 मंथ पर, डॉक्टर कह रहे थे कि होगा, और देखते क्या होता है, मैं पूरी डिटेल्स लेकर के आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी।